जिस बंदे की जेब में पैसे हैं कुर्बानी उस पर वाजिब है, उसके अब्बा जी पर वाजिब नहीं। अगर अब्बा जी के पास अलग पैसे हैं तो अब्बा जी पर कुर्बानी वाजिब होगी। हाँ, अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो आप 3 कुर्बानियां खरीदें या बड़े जानवर में 3 हिस्से डालें। तो अब आप 2 वालदैन की हो गई, 1 आपकी अपनी हो गई, लेकिन जब तक आप पर वाजिब कुर्बानी आप नहीं देते तब तक वालदैन की कुर्बानी देना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये दीन में वाजिब है। जो नमाज आप पे फर्ज है वो आपने पढ़नी है, और जो अब्बा जी पे फर्ज है वो अब्बा जी ने पढ़नी है। इस मसले को भी जरूर जहन नशीन करें। उससे अगली बात जो और ज्यादा जरूरी है उसका जरूर ख्याल फरमाएं, हिस्से डाले जाते हैं कुर्बानी के, हिस्से तो 6 हिस्से हो गए, अब 7वां हिस्सा मिल नहीं रहा, तो एक तगड़े से बंदे के पास जाके मालदार से कहा कि चौधरी साहब हिस्सा डाल लें, एक हिस्सा कम है। चौधरी साहब कहने लगे कि मैंने तो पहले भी 4 बकरे लिए हुए हैं, तो चलो अगर तुम कहते हो तो चलो बड़ा गोश्त आ जाएगा, टिक्के ही बना लेंगे, चलो बड़ा गोश्त भी 10 किलो आ जाएगा तो कबाब के लिए रख लेंगे, चलो रख लो हिस्सा। अब 6 बंदों की नियत कुर्बानी की, 7वें की गोश्त की, उसकी नियत कुर्बानी की, पिछले 6 की भी कुर्बानी नहीं होगी, वो भी गए काम से। आप इस बात को समझें कि कुर्बानी का मतलब यह है कि खालिस अल्लाह की रिजा के लिए मखसूस वक्त में मखसूस जानवर जिबा करना। इसलिए ये जरूर तवज्जो करें इस बात पर कि हम कई लोगों को फोर्स करके शामिल कर लेते हैं। बंदा मालदार होता है वो भी कहता है चलो ठीक है कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो नॉमिनेट करेगा, अगर उसने अपनी कुर्बानी रख लिया तो फिर वो बताएगा ये कुर्बानी किसकी है, वालदैन की है किसकी है। तो कुर्बानी इस तरतीब से करें कि उसके सारे मसाइल से आगाही हासिल